जोग टीवी वसेब दी आवाज। अगर तुसा साडे चैनल ते नवे हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नु प्रेस करो। अगर तुहाडे कोल कोई दिलचस्प स्टोरी है ते सच ते मबनी है, या तुहाडे नाल कोई ज्यादती हो रही है ते साडा राबता नंबर तल्ले पट्टी ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसा ने ते पवे जोग टीवी वसेब दी आवाज और मैं तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन, एक बड़ी दर्दनाक दास्तान, एक दर्दनाक स्टोरी घिन के हाजिर थिया।
ई कारगिन सा वो जनाब सा को सारा डी ए अंदर घर तो बेघर किया है उस बंदे ने। जी नाजरीन वो बच्ची दे नाल गाल करे ने, वो बीबी दे नाल गाल करे ने, जिंदे नाल तमाम वकूआ पेश आया कि आया क्या हकायक। नाजरीन वो बच्ची दे नाल गाल करे ने, वो बीबी दे नाल गाल करे ने, जिंदे नाल तमाम वकूआ पेश आया कि आया क्या हकायक क्या है, हकीकत क्या है। आतेन बड़ी खुशियां दे नाल शादी की थी, अगर महसूस ना करो तो लहा रहे सो मुँह तो मार्क्स, क्योंकि पता लगना चाहिए। अच्छा क्या मामला, तेन बड़ी शौकों के नाल शादी की थी और एक धी की ख्वाहिश होंगी है, एक लड़की की ख्वाहिश होंगी है कि मेरे को अच्छा शौहर मिले, अच्छा मियाँ मिले, और तुम्हारे साथ क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो मेरा शौहर है ना, उसका नाम राना कासिम नौन है, रोहिल्ला वाले में उसने शादी मुझसे की थी, जैसे कुछ लोगों के दरमियान में रख के। हमें इसकी पहले 3 शादियां थी, इन्होंने हमें हमसे झूठ बोला कि मेरी कोई मतलब कि शादियां वगैरह की नहीं मेरे ना को भी। जब मेरी शादी इसके साथ हुई है, ठीक है, मैं जैसे इनके घर गई हूँ, इसके जवान बच्चे मुझे आगे से मिले हैं, ठीक है। मैंने पहले तो चलो ठीक है कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की कि उनको उनका अपना नसीब हमारा अपना नसीब, हम उस वक्त चुप कर गए। बाद में जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुझसे जाली स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवाना शुरू कर दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकरा साबिर है। तुम्हारी तालीम कितनी है? तालीम मेरी FA है। अच्छा। FA पढ़ी लिखी लड़की को ये पता कहने के स्टाम्प पेपर दो तो मेरे को लिख पढ़ करवाई बंदी पे, क्यों करवाई बंदी पे? स्टाम्प लिख पर कुछ भी नहीं करवाया था, उन्होंने कहा था कि जो बेगम दूसरी है उसके इजाज़त नामा लेना है, इस वजह से दूसरी बेबियों का से भी लेना है। मेरे पास ATM था, उस पर खाली चेक बुकों पर भी इसने मुझसे थम लगवाए। बाद में इन्होंने जो है ना मुझे कहते हैं कि जो निकाह नामा है ना तुम्हारा, उसमें कोई मिस्टेक होगी। सबसे बड़ी इन्हें लोगों को कहते हैं कि इन्होंने हमें ब्लैकमेल करके शादी करवाई है। ब्लैकमेल तो इंसान इतना जो दो मुल्कों को चला रहा है उसको हम ब्लैकमेल के। तुम्हारी शादी थी और शादी जी थोड़ी कितने दिहाड़ा तक खुशी के नाल चली, और उस तो बाद तुम्हारे मामला खराब थे, उनकी पहली वजह रीजन क्या बना? खुशी से तो 1 महीना चली है। अच्छा। बाद में मसले मसाइल जब मेरे सामने आने लगे ना, आराम कुछ ना कुछ, रोज़ कोई नई बात, रोज़ कोई नई बात, तब मुझे इनके ऊपर शक होने लग गया कि ये जो है कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। बाकी जो है ना इन्होंने जब मुझे कहा कि निकाह नामे पर मतलब कि कोई गलतियाँ हैं जिसकी वजह से, निकाह नामे पर गलतियों की वजह से जो है ना ये वहाँ पर मुझे लेकर गए हैं अदालत में, कचहरी में। इन्होंने वहाँ पर जाकर मुझे ना अपने वकील को बुलाया है, मैंने कि गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे कहते हैं कि दुबई जाना है तुमने, तो ये थोड़ा सा अपना इसके ऊपर साइन कर दें, अंगूठा लगा दें। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या करवाया। जब मुझे पहला इनके ऊपर शक हुआ, इन्होंने करवाया मेरा हक महर लिखा हुआ था, और वो लिखा भी इन्होंने खुद था अपनी मर्ज़ी के साथ, 100 तोले हक महर मेरा लिखा हुआ था, 1 मेरे पे जो मुझे इन्होंने घर देना था। असल वजह ये है जो मेरी हकीकत है, ठीक है। 100 तोले हक महर और भैया क्या आई? एक कोठी थी। बंदा 100 तोले, वैसे तो होश हो आशे जीवे ना, 100 तोले तो 100 तोले तो पता है भी आई दी कीमत के मुताबिक कितने का बनता है उसके ऊपर? 100 तोले हमारी उन्होंने ये खुद लिखवाया, और हम इस चीज़ की कसम देने के लिए भी तैयार, हमने उनको नहीं कहा। नहीं, मैं ये नहीं आता पिया, देखो तू लिखवाया उसी तरीके सबूत हो सन। 100 तोले हूँ ई टाइम अगर डिठा बजे तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए का सोना है। 1.25 करोड़ का सोना तक उन्होंने हक मैरिज लेके दिता है। कोठी कितने मरल दी? 9 मरले की कोठी लेके दी है। अच्छा। बस इन्होंने मुझे जब वहाँ पर गए हैं, ठीक है, इन्होंने मुझसे थम लगवाया तो मुझे ये अदालत में ले गए हैं कि जाकर अपना ये बस कहना कि मेरी राजीनामा हो गया। मैंने जाके मुझे जैसे उन्होंने कहा कि आपका राजीनामा, मुझसे और कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा जी मेरा राजीनामा हो गया। बाद में वो तो मुझे जब बाद में पता चला कि इन्होंने मेरा जो 100 तोले सोना था वो 20 तोले पर करवा दिया, ठीक है, और इसमें मिस्टेक है कोई ना कोई गलतियाँ करवा के मुझे कहते हैं कि ये तो मैंने तुम्हारा हक मेरे कटवा दिया। निकाहनामा उनको चेंज करवाया गया? चेंज करवा दिया जी। जी क्या आया, क्या तुम्हारा जो निकाहनामा है वो ऑनलाइन कहना ही? निकाहनामा तो ऑनलाइन था जी, निकाह मजिस्ट्रेट अदालत में जाके मुझसे बयान करवाया कि वो गलती के साथ है, मैंने उस टाइम लिखा था, जिसकी वजह से अब मैं बयान दे रही हूँ कि वो मेरा ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा। हालांकि हमारा कोई ऐसा रुझान है कि हम ये सब कुछ करें कि हम ख़त्म करवाएं। अच्छा। तो इन्होंने जब ऐसे करवाया, पहले इन्होंने तब की, तब मेरे मुझे इन्होंने मारा, मतलब कि मैं इनके घर में थी, इसकी एक और बीवी जो उसके साथ मिलकर इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। कभी ये मुझ पर क्या, कभी इन्होंने मेरा जो जेवर पहनाया था मुझे सबके सामने वो भी उतरवा लिया। कितना है? वो मुझे तकरीबन इन्होंने 25 तोले पहनाया था। अच्छा। जी जब मेरा निकाह हुआ था इन्होंने वो भी मुझसे छीना है, इन्होंने वो भी मुझसे लेकर
उतरवाया, मुझसे मुझे कहते हैं कि घर पे रखें, मुझे मेरी छोटी बेबी उस वक्त पैदा होने वाली थी वो भी इन्होंने मुझे ले गए, मुझे इन्होंने मारा, मैं अपने घर आ गई हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मुझे इन्होंने ना मैंने कहा है कि आप अब फिर वापस आओ। जब इन्होंने गलत पैगाम मुझे इनकी हकीकत के बारे में पता चलना शुरू किया कि इसका दुबई में कारोबार क्या, ये इसका दुबई में इंतहाई घटिया कारोबार क्या नहीं दसना पौसी। देखो तो आपको बिल्कुल आवाम को और हुकूमत वक्त को और पाकिस्तान के लोगों को दसना पौसी कि जेडे शौहर के ना तुसा शादी की थी उनका दुबई में क्या कारोबार है। वो दुनिया को कहता है कि मेरा फिश का कारोबार है, फिश का कारोबार सिर्फ दिखावे के लिए रखा हुआ है, वहाँ पर ये लड़कियाँ सप्लाई करता है शादियाँ के बहाने के लेकर लड़कियाँ मंगवाता है करता है कहता है उनको साथ ले जाता है। मैं तो बीवी थी इनकी, इनका तो हक नहीं बनता था कि ये मेरे साथ भी ऐसी बात करते वक्त इंसान डूब के मर जाता है। मैंने इनको जवाब दिया, इस वजह से हमारी लड़ाई पड़ी थी। मैं अपने बाप के घर आ गई और इसमें हमारा पूरा शहर गवाया कि इसने मेरे अबू के ऊपर झूठी FIR करवाई है। ठीक है, जैसे ही इन्होंने FIR करवाई है उसके बाद जो है ना मुझे हमारे पास प्रूफ है, FIR उस दिन इनकी ख़त्म करवाई गई है, मेरा उस दिन अदालत से केस राजीनामा करवाया गया, वो भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है।
साल की है इन अदालत ने तो इंसाफ दिता ना दिता इन मुतलका जी पुलिस है उन्हें तो क्या रवैया इस्तेमाल किया अदालत में तो अभी चल रहा है मेरा केस ठीक है मैं पेशी पे अब आई हूँ मैं गई हूँ ठीक है मैंने एक साल पहले भी जब मैं वहाँ से आई हूँ उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी मैंने डीपीओ साहब को दरख्वास्त गुजारी थी एसएचओ साहब ने हमारी कोई बस इसी के साथ मिलकर उन्होंने मतलब कहा कि आप मतलब मिल के क्या वो आपस में बैठे हुए थे दोनों मुझे जब बुलाया उन्होंने अंदर ठीक है मैं गई हूँ मैंने कहा सर मेरा ये दरख्वास्त है मुझे उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त आपकी फेक है आप इसको रख दें मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते लिहाजा यहाँ पर साइन कर दें मुझसे उन्होंने साइन करवाया मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के साइन करवाया मुझे कहते हैं आप दोबारा आना एक पढ़ी लिखी लड़की पाकिस्तानी लड़की समझदार लड़की यकदम मतलब इतनी बुखराट का शिकार हो जाती है क्या तो कहीं का कोई प्रेशर आई तो अंडर प्रेशर आवे तो कहीं का कोई खौफ आई तो सारा कुछ क्यों किया मुझे इसी कासिम का ही खौफ था इसने मुझे धमकियां दी हैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो कहता है अगर पुलिस में जाओगे तो तुम्हारा ये हशर करूंगा वो हशर करूंगा सारा कुछ हमारे पास है अगर हम लाइव भी उसको चलवाएंगे ठीक है मुझे उन्होंने धमकियां दी हैं सारा कुछ मैं उनके डर की वजह से वहाँ मैंने कहा यहाँ मेरा कुछ नहीं बन सकता मैं उठ के घर आ गई हूँ अब फिर इन्होंने हमें मारा है रास्ते में जाते हुए ठीक है बदतमीजी की है मैं आरपीओ साहब के पास गई हूँ आरपीओ साहब ने हमें तसल्ली दी है मैं घर आई हूँ ठीक है आगे से देखा तो मुझे अभी तक दरख्वास्त ही नहीं मिली मेरी कितना अरसा पहले दी गल जी एप्लीकेशन हमसे दो दिन पहले की बात है अच्छा दिए हुए तकरीबन हमें हो गए हैं हमने दी थी तकरीबन कुछ 10 दिन हो गए हैं अभी तक हमारे सामने वो दरख्वास्त उधर से आई है लेकिन गई कहाँ हमें कुछ नहीं पता बीबी पाकिस्तान है इतने जो इंसाफ देने वाले इदारे मौजूद हैं इतना पुलिस मौजूद है अदालत मौजूद हैं आया क्या तुसा मतलब ताकू तुसा क्या आखना चाहते हो कि ताकू कई जगह तो इंसाफ मिले नहीं मिला बिल्कुल नहीं मिला ना ही मैंने तो हर जगह जाके ट्राई किया हम डीपीओ साहब के पास गए हैं आरपीओ के पास गए और हम कहाँ जाएं फिर एंड यही होगा कि हम मैं मर जाती हूँ मैं अपनी बच्ची को भी मार देती हूँ साथ एंड यही हो सकता है फिर अगर कोई हम इंसाफ नहीं देता फिर हम जाएँ किसके पास जाएँ आगे से हर कोई तो फिर हमारी कोई नहीं सुन रहा कितने बहन भाई मैं हम दो बहनें हैं बस एक छोटी है एक मैं बड़ी हूँ भाई नहीं अम्मी भी नहीं है मेरे अब्बू हैं बस बहन की शादी हुई है वो दूर रहती है मैं अपने वालिद साहब के इनके पास रहती हूँ मैं एक बुजुर्ग पियू ही टाइम पियू भी है माँ भी है सहारा कैसे गुजारा वो मैं उनकी कब तक उनके खाऊंगी इनके दर पे तो नहीं मैं बैठ सकती कोई मुझे इंसाफ मिलेगा ठीक है मेरे आगे मुस्तकबिल का मसला है मैं खुद अब छोटी सी Thank you.
ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਤਲੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ।